वैसे टेस्टी खाना तो सभी को पसंद है, पर जब सभी का फेवरेट हो तो क्या कहने। इस तरह से मैंने घर का मक्खन बना लिया है, और कुछ आलू, एक आलू ले लिए, गाजर, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी। इस तरह से हम इसे फूल गोभी से नहीं बनाएंगे, केवल पत्ता गोभी से ही बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसे मोटे मोटे पीस में कट कर ली है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इस तरह से मोटे मोटे पीस में कट कर ली है। और कुछ बचा के रखी है हमने, आधी गाजर, पत्ता गोभी, और एक कुकर में हमने 1 छोटी चम्मच के लगभग तेल डाला है, 1 चम्मच के लगभग बटर और काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। इसे हल्का सा ही भूनेंगे, और इसमें हमने जो सब्जियां रफली कट करके रखी है वो सभी सब्जियां डाल देंगे। इस तरह से इसे हल्का सा भून लेंगे। कभी तो खाना बनाने की इतनी जल्दी होती है कि इसमें मैं शिमला मिर्च और मटर तो निकालना ही भूल गई फ्रिज से। आप इसे प्लीज़ डाल लीजिए। कभी कभी तो सही में इतना जल्दी होता है कि कुछ चीज़ डाल पाते हैं और कुछ चीज़ हम डाल ही नहीं पाते हैं, और हमारा खाना बन जाता है। जब बाद में याद आती है, अरे हम तो ये डालना ही भूल गए। आपके साथ भी कभी ऐसा ही होता होगा। इस तरह से मैंने कुकर लगा दिया, और 2 से 3 सीटी आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हमने कुछ जो बचा के रखी थी सब्जियाँ, उस तरह से हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। पत्ता गोभी भी हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली है, गाजर भी इसे भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। वैसे इस तरीके से सब्जी काटो तो भी बहुत आसानी से और जल्दी कट के तैयार हो जाती है, पर छोटे छोटे से कट हमारी उंगलियों में लग ही जाते हैं। हमने एक पैन गरम होने के लिए रखा है, उसमें तेल तो थोड़ा सा डाला ही है, और 1 चम्मच के लगभग बटर डाला है। जब ये हल्का सा पिघल जाए, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग जीरा डाला है, और 2 हरी मिर्च डाली है। अभी मिर्चियाँ फीकी आ रही है, इसलिए मैंने 2 डाली है, और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। वैसे ये बिना शिमला मिर्च और मटर के भी अच्छी बनी थी, अच्छी नहीं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इस तरह से काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेगुलर की लाल मिर्च डाली है, और पाव भाजी मसाला डाला है 1 चम्मच के लगभग। अब इसमें जो हमने सब्जियाँ कट करके रखी थी, गाजर और पत्ता गोभी, वो डाल दी है, और इसमें अदरक लहसुन जो पीसा था उसका जार का पानी जो था वो डाल दिया। किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें, और इस तरह से 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला डाल दिया है। इनके हल्के से पक जाने पर इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, 1 टमाटर लिया है मैंने। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएगा और मैश हो जाए। इसे ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्के से चंक्स आएंगे मुँह में इसके, वो भी बहुत टेस्टी लगेंगे। इस तरह से इसे हल्का सा ही पकाएंगे। अब हमारा कुकर भी हो गया है, देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जियां पक के तैयार हो गई है। पूरे किचन में इसी की खुशबू आ रही है, और बहुत ही टेस्टी बनी थी पाव भाजी, जो कम चीज़ों में भी बन गई थी, पर इतनी टेस्टी बनी थी। इसमें तो इसकी ना ही फूल गोभी डाली है हमने, ना ही शिमला मिर्ची और ना ही मटर, 3 चीज़ें कम है, फिर भी इसका टेस्ट तो दुगना था। एक बार अगर आप ऐसे भी बना ले गलती से तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। इस तरह से हमने पाव भाजी डाल दी है, और कुकर में 1 गिलास के लगभग पानी डाल के इसे भी धो के डाल दिया है। अब इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है, पर सब्जियों का स्टार्च है जो इसे पानी को सोख लेगा, और ये अपने आप अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी जब पकेगी। तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, सभी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसे ढक के पका लेंगे। जब ये इस तरह से पक के तैयार हो जाएगी, तो आप आपकी इच्छा के अनुसार इसमें जितना बटर लगे उतना डाल लें, 2 से 3 चम्मच के लगभग भी डाल सकते हैं। मैंने केवल इसमें 1 चम्मच के लगभग ही डाला है। अब कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे हरी धनिया से हर चीज़ का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इस तरह से मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रखा है,
उसके ऊपर इस तरह से पाव हम बीच में से कट करके इस तरह से कट कर लेंगे और इसे तवे पे इस तरह से अच्छे से सेक लेंगे। इतनी आसानी से और इतनी टेस्टी बनने वाली पाव भाजी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अब थोड़ी सी पाव भाजी जो हमने भाजी बनाई है तवे पे डाल के इस तरह से पाव उस पे रख के फिर से और सेकेंगे, जिसमें हमारे पाव में इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। इस तरह से थोड़ा सा इसे घुमाते हुए प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अब वैसे ये चम्मच से तो वैसे पलटेंगे नहीं, इसे हाथ से ही अपने को पलटाना पड़ेगा। मुझसे तो नहीं पलटते हैं ये आसानी से चम्मच से। देखिए कितनी टेस्टी बनी है और कितनी अच्छी, वाह कितनी अच्छी बनी हमारी पाव भाजी। इसमें हल्का सा धनिया डालेंगे, कुछ प्याज की स्लाइस रखी है, नींबू की दो स्लाइस रखी है हमने, दो हरी मिर्च, किसी को तेज खाना हो